हमारी एक ही बात है कि हमें पहाड़ियों को अपना डीएम कमीशन में इंक्लूड किया जाए और हमें अपना जो हक दिया जाए। लेकिन जनाब हमारे साथ तो नानसाफी आई है, ये क्लियर बात है, क्लियर कट डायरेक्शन इसकी ये है कि 70 साल से हमारे साथ नानसाफी होती आई और नानसाफी है ही यही। हमें फिर 4 इलेक्शन से पहले पहले ऐसी सीट दी जाए। कमिटी से गुजारिश है कि हमें जनाब हमारी पहाड़ी कमेटी की पॉपुलेशन फर्स्ट एंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। पहाड़ी एकता जिंदाबाद, पहाड़ी एकता जिंदाबाद, पहाड़ी एकता जिंदाबाद, पहाड़ी एकता जिंदाबाद। पहाड़ी एकता जिंदाबाद, पहाड़ी एकता जिंदाबाद, पहाड़ी एकता जिंदाबाद, पहाड़ी एकता जिंदाबाद। हाँ सर जी, जो आज आप ये प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हो किस हवाले से? सर हमारा मेन मुद्दा है, मेन मोटिवेशन ये है, हमें फिल 4 इलेक्शन से पहले पहले ऐसी सीट दी जाए। हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और यहाँ की एलजीएम से, लेकर हमें यकीन है इस बात से हम सर्टिफाइड है कि इस बार हमें पहाड़ी कौम को अपना हक जरूर मिलेगा। जनाब हम पूरे 100% इस बार सर्टिफाइड है। लेकिन मेरी डीएम डिस्ट्रिक्ट कमेटी कमीशन से गुजारिश है कि हमें जनाब हमारी पहाड़ी कम्युनिटी की पॉपुलेशन फर्स्ट एंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जनाब केरन, करना, मच्छल और रजौरी, डोडा, उधमपुर, बारामूला, बांडीपोरा, उड़ी, हर एक जगह जनाब हमारे साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि हमें एक सीट या 2 सीट से कुछ नहीं होने वाला है। हमें अपना जो हक है वो हक दिया जाए। हमारी 2 हाथ जोड़ के मरकजी सरकार से गुजारिश है और यहाँ की एलजीपी से गुजारिश है कि हमें इस बार अपना हक दिया जाए और हमें जो सीटें हैं वो रिजर्व की जाए। क्या लगता है आपको ये जो डिलिमिटेशन हुआ इसके बारे में आप हमें बता दीजिए कि ये सही है या गलत है? जनाब हमारी एक ही बात है कि हमें पहाड़ियों को अपना डीएम कमीशन में इंक्लूड किया जाए और हमें अपना जो हक दिया जाए। लेकिन हमें उम्मीद है जनाब, I am certified, मेरी पूरी कौम सर्टिफाइड है कि इस बार एस टी मिलेगी हमें, इंशाल्लाह मिलेगी। और दूसरी गुजारिश मेरी है कि डीएम टेंशन से वो भी हमें मिलेगी इंशाल्लाह, सीटें भी हमें मिलेगी। हमें पूरा यकीन है, हमें पूरी उम्मीद लग दिया गवर्नमेंट इंडिया में कि इस बार हम नामेद नहीं, हमें पूरी उम्मीद है जनाब इस बार। तो सर आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 70 सालों से हम ये जंग लड़ते आए हैं, ये नई बात नहीं है कि आज हम उठे हैं इस काम के लिए, एस टी के लिए हमारे 70 साल गुजर गए हैं पीछे। लेकिन हमें यहाँ पे वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ हमसे वोट मांगा गया, हमने वोट डाल दिया, कभी नेशनल को, कभी कांग्रेस को, कभी किसी को, कभी किसी को। लेकिन लास्ट में हमारा वो काम नहीं हुआ जिस बुनियाद पे हमें वोट ले जाते थे। आज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये गुजारिश करते हैं और उम्मीद भी है, 100% उम्मीद है कि इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के इस दौरान में आज से ही हमारी ये दुराना मांग जो थी बरसों से ये पूरी की जाएगी, उम्मीद रखते हैं। अगर ऐसा ना हुआ तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कहना चाहते हैं कि पहाड़ी तबके को फिर चाहिए आज के बाद सुधरना। फिर इसकी मकसद ये है कि हमें बायकॉट करना पड़ेगा कि वो हमें मिला ही कुछ नहीं है, हम चुपचाप बैठ जाएंगे ऐसे। अगर देखा जाए पिछली बार एक बात चली थी कि जो रविंदर रैना साहब है हमारे, उन्होंने कहा था कि इस साल जो है गुजर पहाड़ी और बीजेपी मिलकर सरकार बनाएगी, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहोगे? इसी बात से हमें उम्मीद है रविंदर रैना साहब से, इसी बात से हमें पूरा दिल मानता है कि हो सकता है कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना ही नहीं, रविंदर रैना साहब के पास भी ये बात पहुंची है, उसने भी इस पे बात की है, ये मोहतरम नरेंद्र मोदी साहब के पास भी ये बात पहुंची है, उसने भी कुछ वादे दिए हुए हैं। तो क्या लगता है आपको कि जो ये एसटी के या गुजर तबके के या पहाड़ी तबके के लोग हैं उनके साथ नाइंसाफी हो रही है? मुझे ये लगता है कि पहाड़ियों के साथ सरासर नाइंसाफी हो गई है पिछले 70 सालों से, आज की बात ही नहीं, आज कल भी। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जो भी हमारे कश्मीरी भाई हैं कश्मीर में, ये हमें सबको गुजर तबका कहते हैं, अलग नहीं कहते हैं, पहाड़ी अलग गुजर अलग नहीं, लेकिन कुछ फिरका परस्त लोगों ने हमें बांट दिया है। मैं अपने गुजर भाइयों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि हम अपना हक मांग रहे हैं, हम उनके हक के साथ हमें कोई टच नहीं है, हालांकि उनको मिल गया है, बहुत अच्छा है, वो हमारे भाई हैं, लेकिन अगर हम अपना हक मांगेंगे तो उनको कोई दिल में ऐसा ना हो कि नहीं जी इनको नहीं मिलना चाहिए। कई ऐसे वाकात जो हमने पिछले 2 महीनों से फेसबुक पे देखे, जिनसे हमें ये समझ आई कि ये इशारतन मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन खुदा रा हम आपके भाई हैं, आपको अपना हक मिला है, आपको मुबारक, हम अपना हक मांग रहे हैं। बस पहाड़ी एकता जिंदाबाद, पहाड़ी एकता जिंदाबाद, पहाड़ी एकता जिंदाबाद। एक मिनट सर।
थोड़ा सा पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। देखो जनाब, मेरा नाम मुश्ताक अहमद गनी है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ कुपवाड़ा से। एक बात मैं आपको बताऊँ जनाब, पहाड़ी और गुजर आपस में भाई भाई, ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि एसटी कम्युनिटी के लोग और पहाड़ी कम्युनिटी के लोग आपस में भाई भाई हैं, एक ही फैमिली इनकी है, एक ही फैमिली मेंबर्स हैं। ये कोई नहीं सोचे कि ये अलग अलग है, वी आर ऑल इक्वल, हम दोनों आपस में भाई भाई हैं, हमारी एक फैमिली है, हम एक फैमिली के मेंबर हैं। मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगा जनाब, जो पिछली बार एसटी के साथ छेड़खानी की जा रही थी, तब जाके जब गुजर, पहाड़ी, बकरवाल चाहे कोई भी हो, एक हो गए थे, और आज इसके ऊपर आपकी क्या मैसेज रहेगी कि जो आपके साथ ये नाइंसाफी हो रही है, क्या कहना चाहोगे आप? 98% जनाब हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ बेरोजगार है, पीएचडी, पीजी, नेट क्वालिफाइड, कहाँ जाएंगे ये लोग, ये यूथ जो है कहाँ जाएगी, बेरोजगारी का शिकार है। अगर इंसाफ हुआ हमारे साथ हुआ होता, ये आज गवर्नमेंट एम्प्लॉयड में किसी का एडजस्ट हुए होते। 98% अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो हमारी है बिल्कुल बेरोजगार है, कोई बेरोजगार नहीं। जनाब केले बेचते हैं, संतरे बेचते हैं ये लोग, और मजदूरी करते हैं 500 रुपए दाड़ी, और पीएचडी है।